गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो सर आप? कल से थोड़ा बेहतर है, बट डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक्स दिए हैं ड्राउजीनेस बिट ऑफ स्लीपीनेस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, काम चल जाएगा। तो कल डॉक्टर किया था मैं, इन्फेक्शन है, कल का इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स पे। हाँ जी सर, बाकी सब लोग कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। ठीक है, तो ध्यान रखो, बरसात का मौसम है, कल छुट्टी कर दे, लाइन लगी डॉक्टर के पास, सब जनता ऐसी काम के लिए आएगी। चलो, रोहन ग्रोवर कमिन। यस सर, रोहन ग्रोवर। तुम्हारा क्या इशू है सर? मैं आपको कॉल करता हूँ सर क्लास के बाद, फिर मैं बताता हूँ सर, इफ पॉसिबल सर। क्लास के बाद का तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 o'clock पे कॉल करो। कॉल है 3:30 के दूर है। ब्रेक जो है ना, ब्रेक नहीं है, कॉल इन द ब्रेक। ओके सर, ब्रेक में। ठीक है, चलो। हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे थे? टाइम सर, स्टार्ट किया टाइम, समय, काल चक्र, ऐसे कुछ है ना? जी सर। सो टाइम एक बेसिकली एक मेजरमेंट है। अगर वो मेजरमेंट है तो उसकी एक यूनिट भी होनी चाहिए। तो यूनिट बनाने की जब हमने कोशिश करी तो एक बनाई हमने कि वो एक दिन के हिसाब से। तो सबसे पहली यूनिट हमने बनाई सिडरियल डे। सिडरियल डे वाज द बेस्ट यूनिट ऑफ अ टाइम, बट इट वाज लिटिल इम्प्रैक्टिकल फॉर द नॉर्मल गाइज टू अंडरस्टैंड द सिडरियल क्लॉक। देयरफॉर वी नीड टू मेक अनदर क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द रियल सन। जब हम ये बनाने चले नए रियल सन के हिसाब से अपनी घड़ी, तो हमने रियलाइज किया कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अलग अलग स्पीड से दौड़ती है एक्लिप्टिक के ऊपर। अब हम दौड़ते हैं, मतलब सन दौड़ रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं, एक ही बात है, रिलेटिव मोशन है। इस बात को समझते हुए हमारे को एक नई चीज ढूंढनी पड़ी जो कि सन के जैसी हो, पर उसमें जो सन वाली कमी है वो ना हो। तो हमने एक ऐसी इमेजिनरी बॉडी को सोचा जिसका नाम दिया हमने मीन सन का, और इस मीन सन को इक्विनोक्शियल पे दौड़ा दिया एक कांस्टेंट वैल्यू से। ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी दौड़ने की, वो किसके बराबर थी? जितना ट्रू सन एक्लिप्टिक पे मूव करने के लिए टाइम लेता है पूरे साल भर में, उसको 365.25 से डिवाइड कर दिया, जो एवरेज स्पीड आई उस एवरेज स्पीड से मीन सन को इक्विनोक्शियल पे घुमा दी। क्योंकि वो एवरेज स्पीड से चल रहा था इसीलिए उसका नाम दिया है मीन सन, मीन स्पीड से चलने वाला सन। क्या ये बात समझ में आई? सर ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, फिर से बता देंगे?
नेटवर्क प्रॉब्लम था या तू अभी आया? सर थोड़ा सा लेट भी था और थोड़ा नेटवर्क। देखिए ऐसा है कि मैं कई बार बताया, सेकंड में हमने भी किया ना खैर कोई बात नहीं, तो बता तू मुझे बता मैं क्या बताऊं, मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक, तो मैंने कोई नई चीज शुरू ही नहीं करी, मैं तो सिर्फ कल जो पढ़ाया था उसका रिवाइजेशन किया था, एक मिनट दो मिनट लेकर के, जो कल एक घंटे पढ़ाया था उसको एक दो मिनट में मैंने समराइज कर दिया बस। सर वो 365.2 वाली लाइन कुछ बता रहे थे सर, आप वो बता दिए। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ट्रू सन है ना वो एक्लिप्टिक पे घूमता है पूरे साल भर के हिसाब से, और उसकी बट स्पीड अलग अलग होती है, तो पूरे साल भर में वो जो घूमता है उसको 365 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन की उसकी एवरेज स्पीड आ गई। यस सर। वो जो उसकी एक दिन की एवरेज स्पीड आई उसी से हमने मीन सन को इक्विनोक्शियल पे घुमा दिया, मीन स्पीड से एवरेज स्पीड से, इसलिए उसका नाम मीन सन रख दिया। ओके ना, समझ आई बात? हाँ सर। बस यही बताओ हाँ जी, किसी को कोई डाउट आ रहा है? Anybody is having any issue, please let me know. हाँ जी प्लीज। भाई देखो डाउट ना आने के दो रीजन होते हैं, या तो कुछ भी समझ ना आ रहा हो या कुछ सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो बताओ मुझे तुम्हारे को कौन सी स्टेट कौन सी कैटेगरी में डालूं, कि सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए डाउट नहीं है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसलिए डाउट नहीं है? यस मोइन खान। किससे समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सर? आप डेली जिस हिसाब से पढ़ाते हैं उस हिसाब से समझ में आता है, अगर डाउट होता है तो आपसे उसे भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा चलो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कल जो मुझे याद आ रहा है मैंने एक डायग्राम बनाया था सेलेस्टियल स्फीयर वाला, जिसमें एक इक्विनोक्शियल था और एक उसमें एक्लिप्टिक था। एक उसमें मीन सन चल रहा था यहाँ पर MS और उसके एक टू सन चल रहा था एक्लिप्टिक पे कुछ ऐसे टू सन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है हमने जो घड़ी बनाई वो बनाई मीन सन के हिसाब से, अब जो घड़ी तुम लोगों ने अपने हाथ में पहनी हुई है मोबाइल में आ रही है जहाज पे GPS पे थी घर पे वॉल क्लॉक पे लगी हुई है जो टीवी पे घड़ी आ रही है जो नेटफ्लिक्स घड़ी आती है नेटफ्लिक्स पे घड़ी आती है नहीं आती ना? क्यों शिवेश बाजपेयी? नो
पसंद नहीं आती है। इसीलिए तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं सर, नेटफ्लिक्स पे तो आती नहीं, आप कैसे कह रहे हो? सो बेसिकली जितनी भी घड़ियां हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो मीन सन से बनी हुई है। सो ऑल द क्लॉक दैट वी आर यूजिंग आर मीन सन बेस्ड। इसका मतलब ये हुआ दो घड़ियां होगी, दो घड़ियां मतलब एक जो इंसान ने बनाई और एक जो भगवान ने बनाई। भगवान की घड़ी थी ट्रू सन के हिसाब से, रियल सन के हिसाब से, इंसान की घड़ी थी मीन सन के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो लॉजिकल सी बात है, अगर दो दो घड़ियां हैं, इफ यू हैव टू वॉचेस ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स, there has to be, there bound to be a difference between them, is it not, is it right or not? Yes sir. दोनों में कुछ तो difference है ना, there has to be some difference between the two clocks, है ना? अब वो clocks का difference क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ, समझते हैं इस बात। ये जो true sun है ये पूरे साल भर ecliptic पे दौड़ता रहता है, और जो ये मीन सन है ये पूरे साल भर इक्विनॉक्शल पे दौड़ता रहता है। अब मीन सन ऐसे दौड़ेगा, ब्लू वाला पार बनाया था ऐसे दौड़ेगा और रेड वाला ऐसे दौड़ेगा, पूरे साल भर। तो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, लेट्स से ट्रू सन की पोजीशन यहां पे होगी और मीन सन की पोजीशन कुछ ऐसे होगी। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर, लॉजिकल सी बात है। और कुछ दिन बाद क्या होगा? ये यहां होगा तो मीन सन कुछ यहां होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? Yes. इसका मतलब अगर इस बात को हम समझ लें कि भाई ये बात तो सही है, तो एट एनी गिवन टाइम, मेरा पेन नहीं चल रहा, एट एनी गिवन टाइम ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर आई कैन ड्रॉ two meridians passing through the mean sun and the true sun. क्या ये बात भी सही है? चाहे यहां पर आ जाए वहां पर है, क्या ये बात समझ में आती है? ये जो है या ये जो है क्या होगा? डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द टू क्लॉक्स। ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द टू क्लॉक्स है इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम, ईओटी इज इक्वेशन ऑफ टाइम। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक बार और बता देंगे? हाँ सर, मेरा काम ही दैट्स माय जॉब, 5.5 साल से मैं रिपीट ही तो कर रहा हूँ। नहीं तो आज भी करते हैं, क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रू सन एक्लिप्टिक पे घूम रहा है और मीन सन इक्विनॉक्शियल पे घूम रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ, 21/9/2021 की बात कर रहा हूँ। अभी भी तो कहीं ना कहीं पर ट्रू सन घूम रहा है एक्लिप्टिक पे, हाँ या ना? यस सर। और जो मीन सन है वो मैंने इमेजिनरी बॉडी बना दी, वो भी कहीं ना कहीं इक्विनॉक्शियल पे घूम रहा होगा। तो किसी भी टाइम 21/9/2021 में, आज के दिन की अभी की बात कर रहा हूं, तकरीबन 3 बज रहे हैं 3 बजे, कोई ना कोई मेरिडियन तो मीन सन से भी पास कर रहा होगा, कोई ना कोई मेरिडियन तो ट्रू सन से भी पास कर रहा होगा।
यस और नो? यस सर। तो ये जो दोनों मेरिडियन के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ऑन द सेलेस्टियल पोल, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल या साउथ सेलेस्टियल पोल किसी की बात कर लो, उसी को ही इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन द गॉड मेड क्लॉक एंड द मैन मेड क्लॉक इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ टाइम। कितने लोगों ने बात को समझा दी? Yes, sir, understood. अल्मनैक है तुम्हारे पास? Yes, sir. खोलो अल्मनैक। अल्मनैक में 21 सितंबर वाला दिन पेज के आजू बाजू वाला पेज देखो क्या दिया हुआ है। आज 21st है ना, 21 सितंबर। हाँ 21 सितंबर दी हुई है। 21 सितंबर को सन का कॉलम देखो नीचे साबर साइड वाले पेज पे। हेलो, कैन यू सी 21 नंबर वाला पेज, 187 नंबर पेज पे? यस सर, वी कैन। हमारे पास का टाइम देखो क्या दिया हुआ है सर, 11 आवर 53 मिनट्स। 11 आवर 53 मिनट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मोटा मोटी कि आज के दिन, ये वैसे 92 की एलमनैक है, इसको मैं 2021 की एलमनैक मान लूं समझाने के लिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं आज के दिन। अब ये आज के दिन की बात का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन की वैल्यू कांस्टेंट है, हर हर घंटे टाइम इक्वेशन टाइम चेंज हो जाता है, हर पल इक्वेशन टाइम चेंज हो जाता है। मोटा मोटी आज के दिन इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू है 7 मिनट की। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल का की वैल्यू है 7 मिनट, ओनली 7 मिनट्स। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। पॉइंट क्या है? पॉइंट में इसमें आ रहा हूं, द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। इट्स एंगल इज 1 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल होता है, 7 मिनट उससे बहुत छोटा होता है। तो 7 मिनट का एंगल है बिटवीन द टू आज के दिन। क्या ये बात समझ में आती है? अब 23 सितंबर पे देखो क्या टाइम दिया हुआ है। 12 यार आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलना ज्यादा पड़ रहा है, मेरा गला खराब है। 11:52 23 सितंबर को 11 आवर्स 52 मिनट्स। बिल्कुल सही बात है। तो 23 तारीख को इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू हो जाएगी 8 मिनट की, यानी कि हर रोज हर घंटे ये वैल्यू चेंज हो रही है। This angle is not a constant value. It is continuously changing. That is what I wanted to indicate to you guys. And the idea of it you can take from your almanac. क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ी अंग्रेजी बता दी मैंने बस। Yes, sir. Divyanshu Kumar. यस सर। दोस्त का विवेकानंद मिश्रा, कितने से आवाज नहीं आई इसकी? सॉरी सर, क्या बोल रहे? कह रहा हूँ यहीं बैठे हैं सर। विवेकानंद मिश्रा जी, मिश्रा जी की आवाज नहीं आई कितने दिनों से? यहीं पे बैठे हुए हैं सर, यहीं बैठे हैं। एलमनैक चेक, ये बैठे हैं एलमनैक चेक कर रहे सर। बहुत बढ़िया। तू समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, वो समझ में आ रहा है। बस सर एक डाउट है, ये जो मेरिडियन पास कर रहा है वो ट्रू सन से पास कर रहा है या सर नॉर्मल आपने मेरिडियन लिया? नहीं देख, एक मेरिडियन ट्रू सन से पास कर रहा है, एक मेरिडियन मीन सन से पास कर रहा है। ओके ओके सर, बस ये डाउट था भाई। कोई भी चीज सेलेस्टियल स्फीयर पे अगर है, कोई ना कोई पैरेलल और डेक्लिनेशन या कोई ना कोई मेरिडियन तो पास करेंगे ही करेगा ना। यस सर, लॉजिकल सी बात है। तो ऐसे ही मैंने दो मेरिडियन बना दिए, यहाँ पे भी और आगे भी समझाने के लिए।
और जो दोनों के बीच में मरीजन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एंगल बन रहा है सेलेस्टियल पोल पे, क्या आपको भी कोई ऑप्शन इक्वेशन ऑफ टाइम सिंपल? यस सर। आज भाई लोगों बात समझ में? यस सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू मैंने कहां से निकाली बस ये बता दो लास्ट। एल्मेनिक्स। एल्मेनिक्स से? एल्मेनिक्स में कहां से? मर पास टाइम देख के। मर पास टाइम देख सिंपल। अब ये मर पास टाइम देख के बहुत कुछ है जो मुझे इलैबोरेट करना है पर बाद में करूंगा, अभी सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं कि ये जो इक्वेशन ऑफ टाइम है यानी कि डिफरेंस बिटवीन द मैन मेड क्लॉक एंड द गॉड मेड क्लॉक, वी कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द एल्मेनिक ओनली। हम ये घर बैठे बैठे ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बट द वैल्यू इज गिवन इन दी आवर ओन एल्मेनिक। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Okay. चलो अगर ये बात समझ में आती है तो थोड़े से नोट्स बनाओ, फिर नोट्स बनाओ और फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ उसके बाद। And please ask me any doubts. Do not hesitate. अरे कल तुम्हारे को मैंने स्लाइड दिखाई थी ना इक्वेशन ऑफ टाइम की, कहाँ चली गई? लो कल लो खेती। अरे चल कोई बात, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। किसी को पता है ढूंढने से खुदा मिल जाता है? सुना तो है सर। सर ये बोलने वाली चीज है, बस बाद में बोलेंगे सही से ढूंढा नहीं। सही बात है। एक मिनट तो। हाँ जी बताइएगा मुझे कहाँ तक नोट्स बना लिए हैं आपने और कहाँ तक नोट्स पेंडिंग है। ये हो गया शर्मे का कल, है ना? कल हमने इस बारे में बात की थी कि हाँ सर, हाँ सर, जो अप्रन सोलर डे होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको हम एज यूनिट ऑफ टाइम नहीं यूज कर सकते अपने तरीके से। उसके पीछे जो कारण है वो है ईसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ईसेंट्रिसिटी का मतलब मालूम है किसी को? सर प्रॉपर ऑर्बिटल शेप। प्रॉपर ऑर्बिटल शेप भी कह सकते हैं उसको। एक्चुअली हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है ना उसकी वजह से हमारे अर्थ जो डेविएट हो जाता है अपने ऑर्बिटल पाथ से, सर्कल से। डेविएट नहीं कहते बेटा उसको, वी कैन नॉट से डेविएट हो जाता है वो, फिर मतलब सर्कल फॉलो नहीं करता है वो। सर्कल फॉलो नहीं करता है वो, उसके दो फोकाई होते हैं। फोकाई मतलब दो फोकल पॉइंट होते हैं। वो जो दो फोकल पॉइंट होते हैं इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, जैसे रेडार पे हम ऑफ सेंटरिंग करते हैं ना, ऑफ सेंटर, सेंटर से हट जाता है उसका सेंटर बस। तो वो जो सेंटर से हट जाता है उसका सेंटर, उसी को ई सेंट्रिसिटी कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? दूसरा है ऑब्लिगिटी ऑफ द एक्लिप्स, यानी कि उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसकी वजह से।
कितना वो टेढ़ा है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी आगे बताऊंगा, तुम्हारे बोर्ड पे डायग्राम मैंने बना रखा है उस पर ही है, बट मैं बताना चाहता हूँ। पर अभी नोट्स बनाओ मीन सम के। हाँ जी आगे बढ़ा दूं, एक मिनट सर। सर ये स्पैम कॉल कट करेगा क्या कह रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हाथों में जो घड़ी है या हम जो भी घड़ी यूज करते हैं सारी मीन सन से बनी है, तो मीन सन से ही हम टाइम कीपिंग करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। इस बात को समझते हुए हमने एक मीन सोलर डे बनाया। और मीन सोलर डे की वैल्यू है 24 घंटे 24 आवर्स ऑफ मीन सोलर टाइम।
This is the diagram which I just made on the board. Yes, sir, एक मिनट पीछे कर लीजिए प्लीज एक सेकंड के लिए. एक सेकंड देख भाई एक सेकंड तो हो गया. हटा दो. सर 59 सेकंड और. That's a good one. सर सुबह हम टाइम पढ़ के टाइम के साथ गेम खेल रहा है. हाँ वही देख रहा हूँ मैं. काफी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहा है. 59 सेकंड थी जानी बोला उसने एक मिनट घुमा फिरा के बात कर रहा है. यस सर इसका मीम सन सर खराब है. सही बात है. किसी ने जंतर मंतर देखा है क्या? यस सर देखा है. एक जयपुर में भी है एक दिल्ली में भी है बाकी का मुझे पता नहीं. और दिल्ली वाला देखा है. दिल्ली वाले में एक और चीज है ये आई थिंक बारापुला के पास है सन डायल. खैर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ. ये जो जंतर मंतर है या ये जो सन डायल है ये सारी नेचुरल क्लॉक्स हैं जो हम मेजर करते हैं. जंतर मंतर इज अ नेचुरल क्लॉक. किसी को मालूम है कि नहीं? तो जंतर मंतर पे जो क्लॉक बनी हुई है या जो क्लॉक है सन डायल जिसे हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अपरेंट सोलर डे मेजरमेंट है. ऊपर वाले की बनाई हुई घड़ी और जो तुम्हारे हाथ में पहनी हुई है मोबाइल पे आ रही है जीपीएस पे आ रही है वो सारी घड़ियां हैं मैन मेड. सर हो गया. लो मालिक लो. सो दिस इज द 3D डायग्राम जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था वही डायग्राम है बेसिकली मोटा मोटी ऑन अ 3-dimensional स्केल. लाल वाला सन जैसा कि मैंने भी बनाया था लाल में ही इक्लिप्टिक पे मूव कर रहा है और जो ब्लू वाला सन है जैसा कि मैंने बनाया था वो इक्विनोक्शियल पे मूव कर रहा है. क्या ये बात सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर. और थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे बहुत ध्यान से जो 3D डायग्राम बना हुआ है अगर कोई मरीडियन मैं लाल वाले सन से पास करूं और कोई मरीडियन मैं ब्लू वाले सन से पास करूं देयर विल बी अ वेरी स्मॉल एंगल बिटवीन देम. क्या ये बात भी सही है? यस सर. और अगर थोड़ा सा लाल वाला बॉल आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा नीले वाला बॉल भी आगे बढ़ेगा तो दोनों के बीच में एंगल बनता जाएगा. क्या ये बात सही है? यस सर. यस सर. और एंगल चेंज भी होता रहेगा. चेंज कैसे होगा? चेंज 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 चेंज. चेंज कैसे होगा? चेंज कैसे होगा? चलो अभी समझाएंगे इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में. सब ये डायग्राम बनाओ और ये जो डायग्राम बना हुआ है अभी दिमाग में इसको रखना. ये 3-dimensional डायग्राम है. आई विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस इन द नियर फ्यूचर सो प्लीज कीप दिस इन माइंड ऑल द टाइम ड्यूरिंग द क्लासेस ऑफ द टाइम मेजरमेंट.
सर इक्विनोक्सियल और एक्लिप्टिक पाथ में क्या डिफरेंस होगा सर, इनका थोड़ा आपस में मतलब ज्यादा डिस्टेंस होगा या फिर ये इनका इक्वली होगा सर? देख मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा क्वेश्चन ना बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं इस बारे में ही बात करना चाहता हूँ वैसे तो। अब तूने पूछ लिया है तो मैं पहले बता देता हूँ। एक काम बता मुझे, एक चीज बता, ये जो लाल वाली बॉल है और ये ब्लू वाली बॉल है, क्या ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है? हाँ या ना? हाँ सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कोई चीज होती है तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? लॉजिकली नहीं, यस और नो? हाँ सर, बस एंगल निकाल सकते हैं, इनके बीच का कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? पॉइंट इज दैट, अब समझाता हूँ कैसे। अब थोड़ा सा इकोनॉक्शन पे ना पता, जी एच ए, एल एच ए, एस एच ए, एक्स वाई जेड, एल एल, याद आ रहा है? हाँ सर, इकोनॉक्शन पे ना पता। तो हमने क्या किया, ये जो ट्रू सन है, जो लाल वाला सन है जो एक्लिप्टिक पे मूव कर रहा है, इसको भी हमने इक्विनोक्शियल पे उतार लिया। कैसे उतारा? हमने क्या माना कि नॉर्थ सेलेस्टियल पोल से एक मरीडियन हमने ट्रू सन से पास किया, वो ट्रू सन का वाला मरीडियन जहां पर इक्विनोक्शियल पे जाकर गिरा, उस पॉइंट पे हमने ट्रू सन की इमेज नोट कर ली। अब ट्रू सन की जो इमेज है वो भी इक्विनोक्शियल पर है और मीन सन भी इक्विनोक्शियल पे है, तो दोनों के बीच में एंगल नापना आसान हो गया। हाँ सर, यस सर। अब देखो तेरे क्वेश्चन का जवाब मिला? यस सर। That's what I was thinking. अच्छा क्वेश्चन था, मुझे इस बारे में बात करनी भी थी पर तूने जल्दी करवा दी। और सर अगर ये जैसे आपने लिखवाया कि ट्रू सन और मीन सन सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ टाइम तो हमेशा शेप सेम होनी चाहिए। मैं तो नहीं बोला सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, कहां लिखा सेम स्पीड? द मीन सन मूव्स अलोंग द इक्विनोक्शियल एट सेम स्पीड एंड ट्रू सन आल्सो मूव्स अलोंग द सेम स्पीड 0.986। फिर वही बात है, तुम यार स्लाइड से नोट करते हुए भी गलत लिख लेते हो, ऐसा कैसे होता है? देख ध्यान से, तूने स्लाइड से भी गलत नोट किया हुआ है। अब पढ़, क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में ढंग से पढ़ी और आराम तसल्ली से। कुछ दिख नहीं रहा सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो दिख रहा है कि तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा होता तो हम आपसे बोलते ही नहीं सर। क्यों ऐसा, क्यों भाई ऐसा क्यों, व्हाई? अभी आना चाहिए, रास्ते में लग गया। आ गया, आ गया, अब आ गया। अरे आया, आया सर, चला गया, फिर चला गया सर। आया, आया, चला गया, अब आ गया सर। आ गया सर, आ गया, आ गया। आप पढ़ो जरा इसको, मीन्स एंड ट्रू सन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अरे कॉमन आ ही हाँ जी, कौन बता रहा मुझे डेफिनेशन? अभिजीत? यस सर। बेटा क्या लिखा हुआ?
सर दोनों पे वैल्यू तो सेम लिखी थी, ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़। सेकंड वाला ट्रू सन में लिखा है कि एट वेरिंग स्पीड्स बट एवरेज इज 0.986। मतलब बात नहीं हो गई, दोनों अलग अलग बातें नहीं हो गई। बता मुझे, हेलो। यस सर, दो अलग बातें हो गई कि नहीं? हाँ। तो एंगल अभी से चेंज होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? डाउट है। अरे कहाँ डाउट है? अरे एक बात चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं? एक काम करते हैं, रेसिंग ग्राउंड में चलते हैं, दो कार को ले लो, दो कार उठाओ, एक पे तुम बैठ जाओ, एक पे हमको बिठा लो। हाँ जी, कौन पूछा है? यस सर। बेटा एक काम, लेट्स गो टू दी रेस ट्रैक। लेट्स से देयर आर टू ट्रैक्स व्हिच आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड इन वन कार द स्पीड इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना, और एक कार है जो कभी उस एवरेज वैल्यू से, लेट्स से पहली वाली कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और जो दूसरी वाली कार है वो कभी 95, कभी 96, कभी 97, कभी 98, कभी 99, कभी 100, कभी 101, कभी 102, कभी 103, 104, 105 ऐसे चलती है। जब दोनों की स्पीड 100-100 होगी, मान लेते हैं एक ट्रैक से छोड़ा उनको हमने, छोड़ने के बाद में दोनों की स्पीड 100 होती, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यस सर, है ना। अब दूसरे वाली जो कांस्टेंट वाली, वो तो 100 पे चल रही है। अब मान लेते हैं पहली वाली की स्पीड होगी 99 की, तो क्या उन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा? यस, चेंज हो जाएगा। अब अगर उसकी स्पीड होगी 98 की, तो फिर एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब होगी 97 की, अब एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? यस। सिमिलरली जब होगी 101, 102, 103, 104, तब भी एंगल चेंज होगा? यस सर। बस बात खत्म। तो इसका मतलब इक्वेशन टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, इस इक्वेशन टाइम चेंज हो रहा है, सिंपल बात। ओके सर। अभी समझ में आई या अभी भी नहीं आई? कुछ और एग्जांपल दूं? आ गया सर। आ गया, चलो बहुत है, बढ़िया। ये तो मुझे तुझे अभी ओलंपिक्स में ले जाना पड़ता, ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ लेके जाता तेरे को मैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ा दूं? यस सर। चलो अब लिखो डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम। सारी गड़बड़ जो है ये इक्वेशन ऑफ टाइम की ही गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर वाले की घड़ी कुछ और कहती है, हमारी घड़ी कुछ और कहती है। अब ऊपर वाला कहता है कि तुम्हारी घड़ी गलत, हम कहते हैं ऊपर वाले की घड़ी गलत, है कि नहीं? इसी उधेड़ बुन में हम बेचारे नेविगेटर्स फंस गए हैं, क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। जो हमारे को पढ़ना पड़ रहा है चैप्टर, ना ये होता डिफरेंस, ना हम एक चैप्टर पढ़ते, सही है कि नहीं? यस सर, यस सर। जिंदगी कितनी आसान हो जाती। कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ टाइम का फायदा क्या हमारे लिए? जहाज में कभी ये वर्ड सुना था इक्वेशन ऑफ टाइम? नेगेटिव सर। यस सर, नेगेटिव। जहाज में तुमने बहुत कुछ ही सुना, तुम तो साइड भी नहीं ली, फिर तुम क्या सुनते इक्वेशन ऑफ टाइम का वर्ड? गालियां सुनी सर काफी है। हाँ गालियां सुनी है, वो तो खैर दीदी का फलसफा है ना, देखो बिना गाली खाए आदमी ऊपर नहीं आता है। तो गाली खाना जरूरी। एक फिल्म आई थी ये पीछे, दो शूटर थी उसमें लेडीज, एक तापसी पन्नू और एक क्या फिल्म का नाम था यार, आपको फिल्म का नहीं याद है, एक्ट्रेस का याद है?
सांड की आंख सर, सांड की आंख, हल्का फुल्का तो हो गई ऐसी बात कर रहा खेल चलो एनीवे द पॉइंट इज नॉट, पॉइंट ये है उस फिल्म में ना वो जो उसका ट्रेनर होता है उन दोनों का जो उसको सिखाता लड़का, वो उनसे पूछता है कि ताई तुम खाती क्या हो अगर इसको याद हो तो ताई दोनों एक ही वर्ड बोलती हैं कि हम दोनों गाली खाती हैं। एंड दैट इज द पॉइंट इन लाइफ, जितनी गाली पड़ती है उतना ज्यादा इंसान ऊपर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं गाली पड़ती रहनी चाहिए, पॉइंट क्या है, द पॉइंट ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव तभी करते हैं जब कोई क्रिटिसाइजर हमारे को हमारी गलतियां कंटिन्यूसली बताता रहता है। और ये जो जहाज पे गाली पड़ने वाली बात है, तुम भी अगर ध्यान से अगर शांति से दिमाग से सोचोगे तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव लर्नड अ लॉट बिकॉज ऑफ दीज गालीज ओनली। क्या ये बात सही नहीं है? किसने कुछ सीखा ही नहीं है, है भाई? दिलजोत सिंह, दमनदीप सिंह, यस सर, क्या गाली खाई कि जहाज पे कि नहीं? बहुत खाई सर, बहुत खाई। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, तो गाली खाने से कोई नुकसान नहीं है, यू इंप्रूव अ लॉट बिकॉज ऑफ दीज स्कोल्डिंग, दिस आर रिक्वायरमेंट। हाँ जी सर, एक समय आता है फिर शर्म आनी महसूस नहीं होती सर, फिर बेइज्जती महसूस नहीं होती। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ड स्किन, जब हमारी स्किन हार्ड हो जाती है। ये बात भी सही है। चलो एनीवे, तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तापसी पन्नू से? चलो आगे स्टोरी लिखो। अब ये इक्वेशन ऑफ जो टाइम है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट साल में चार मौके ऐसे आते हैं जब इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो गाड़ी पीछे भाग रही थी वो फिर स्पीड बढ़ाएगी, एक टाइम पे आके उसका एंगल सेम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ टाइम की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो दो हैं। अब दो का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लिख लो अभी के लिए, एक प्लस में एक माइनस में। ये प्लस और माइनस का क्या गेम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये सीखेंगे अभी, बट जस्ट मेक अ नोट फॉर अ टाइमिंग। हाँ जी, हो गया। Yes. Yes, चलो अब बेसिकली हमने क्या अचीव किया, हमने अपनी घड़ी के हिसाब से एक दिन बना लिया था। क्या ये बात सही है? एक दिन कौन सा,
मीन सोलर डे वाला एक दिन। हाँ जी सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। हमने क्या बनाया अभी? हमने बनाया एक मीन सोलर डे। और एक हमने बनाया अपेरेंट सोलर डे। और इससे बनाई एक घड़ी और इससे बनाई एक घड़ी। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ये वाली घड़ी थी मैन मेड और ये वाली घड़ी थी गॉड मेड। क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. So, इस वाली घड़ी से हमने पहले एक स्टैंडर्ड चूज किया यानी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस उसको नाम दिया ग्रीनविच का। यानी कि हमने एक बनाया जीएमटी। अब सब लोग इमेजिन करो एक बार ग्रीनविच पे जाके खड़े हो जाओ। सब लोग जाके खड़े हो जाओ। दोपहर के 12 बजे का वक्त है। कड़ी तेज धूप हो रही है ग्रीनविच मेरिडियन पे, है ना? अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे बताओ क्या दिख रहा है? सन सन सर बेटा शेड लगाए थे तो तू सन देख पा रहा है। हेलो शेड लगाए थे शेड्स? यस सर। हाँ फिर ठीक है समझ आ रहा है। अब ध्यान समझो जरा बात। लेट्स से ये ग्रीनविच मेरिडियन है और ये क्या है? सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच। क्या ये बात सही है? हेलो यस सर। अब अगर दोपहर का वक्त है और जो सूरज तुमको दिखाई देता है उसको ट्रू सन कहते हैं, क्या ये बात सही है? यस सर। सब लोग ध्यान से देखो, जब ट्रू सन ग्रीनविच मेरिडियन पर है या तुम्हारे मेरिडियन पर है तब क्या टाइम लेना चाहिए?
यानी कि हमारी जो घड़ी है उसमें यानी पेन नहीं चल रहा, उस घड़ी में हम जीरो 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 किसको कहें? जब सूरज हमारे मरीडियन पर है यानी मरीडियन पैसेज के टाइम पर, अगर इसको जीरो जीरो कहें और यहां से अपनी क्लॉक पूरी करें ऐसे, तो ये हो जाएगा जीरो वन, ये जीरो टू, ये बारह, ये अठारह और ये 2400। क्या ये बात सही? यस सर। बट अगर हम ऐसा करें तो ये जो 2400 है ये टाइम तकरीबन दोपहर के 12 बजे आएगा और इससे एक घंटा पहले क्या आएगा 2300। क्या ये बात भी सही है? यस सर। इसका मतलब जो अभी के 11 बजे हैं वो इस क्लॉक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बजते 23। यस और नो? इसका मतलब एक दिन में यहाँ पर 21 सितंबर होती और 12 बजे के बाद दोपहर के यहाँ पे क्या होती 22 सितंबर। ऐसा नहीं हो जाता? हेलो। यस सर। अरे समझ में भी आ रही है, खाली ऐसी यस सर करता। ब्रेक का टाइम हो गया वैसे ना, नहीं लग रहा है तभी लोग ज्यादा जवाब दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा 12 बजे आएंगे सबके, ठीक है? यस सर। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक गाइस।